देख रहे हैं पाक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल और मैं हूं आप लोगों के साथ सैयद कंबर अब्बास। आज हमने एक ट्रिक डिस्कस करेंगे टैक्सोनॉमिक हायरार्की को याद करने की कि हम किस तरह टैक्सोनॉमिक हायरार्की के जो ऑर्डर है किंगडम टू स्पीशीज या स्पीशीज टू किंगडम उसको हम किस तरह अपने जेहन में स्टोर कर सकते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की होता क्या है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हम अरेंज करते हैं। आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप इसे स्पीशीज़ टू किंगडम में अरेंज कर सकते हैं या इसे किंगडम टू स्पीशीज़ में अरेंज कर सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसे किंगडम टू स्पीशीज़ के ऑर्डर में आप इसे अपने जेहन में याद रखेगा। सबसे पहले तो आपको एक निमोनिक बताता हूँ कि किस तरह टैक्सोनॉमिक हायरार्की को आप याद कर सकते हैं। खान पीसीओ फॉर गुड स्टूडेंट्स, खान पीसीओ फॉर गुड स्टूडेंट्स, के पी सी ओ एफ जी एंड एस, ये हमारे पास टैक्सोनॉमिक हायरार्की आ गई किंगडम से स्पीशीज तक। तो अब हम इसको राइट डाउन कर लेते हैं। खान के के से जो हमारे पास बना वो है किंगडम, इसी तरह पी के पी सी ओ के पी से फाइलम, सी से क्लास, ओ से ऑर्डर और इसी तरह फोर के एफ से फैमिली, गुड के जी से जीनस और इसी तरह स्टूडेंट्स के एस से हमारे पास स्पीशीज आ जाएगा। ये हमारे पास टैक्सोनॉमिक हायरार्की का ऑर्डर जिसके अंदर हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस को हम अरेंज डाउन करते हैं और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की। अब हम एक ह्यूमन की बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन डिस्कस करते हैं। ह्यूमन जो है वो किस किंगडम से बिलोंग करता है, वो एनिमेलिया से बिलोंग करता है, एनिमेलिया। और इसी तरह फाइलम क्या है उसका, वो है क्वाड्रेटा। क्लास क्या है उसकी, ममेलिया। और इसी तरह ऑर्डर क्या है उसका, ऑर्डर जो है हमारे पास वो है प्राइमेट्स। फैमिली किससे बिलोंग करता है, होमिनिडाय। जीनस क्या है उसकी, होमो। स्पीशीज सेपियंस। तो ये हमारे पास ह्यूमंस की बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, एनिमेलिया, किंगडम, फाइलम, क्वाड्रेटा, क्लास ममेलिया, ऑर्डर प्राइमेट्स, फैमिली होमिनिडाई एंड जीनस होमो स्पीशीज सेपियंस। तो अगर आपको ये ऑर्डर याद हो, ये वाला किंगडम से स्पीशीज तक का, तो आप आसानी से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को राइट डाउन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास टैक्सोनॉमिक हायरार्की को याद करने का आसान तरीका, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लिखने का आसान सा तरीका। यहाँ तक दीजिएगा हमें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।